हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की गई है। अगर आपने जो है बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन किया है और आपका पंचायत जो है शॉर्टलिस्टेड कर दी गई है, पंचायत का नाम आपका यहाँ पे दे दी गया दिया गया है, तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड का जो है ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसको कैसे करना है पूरी प्रोसेस आपको लाइव बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको इस तरह का ऑप्शन मिल रहा है, लॉगिन का इंटरफेस आपको मिल रहा है। यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड और कैप्चा डाल के सिंपली आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, पूरी वहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे आप अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड पाने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कृषि विभाग के किसान निबंधन संख्या जो है आपको यहाँ पे टाइप करना होगा और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है आपको पासवर्ड पाने का जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम होम पे जाएंगे। उसके बाद जो है अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो सिंपली जो है मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के सिंपली लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिल रहा है कृषि विभाग के किसान निबंधन संख्या अपडेट करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप किसान निबंधन संख्या में कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। मोबाइल नंबर बदलने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर आप मोबाइल नंबर जो है चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए जो ग्राम पंचायतों की सूची आप देखना चाहते हैं कि हमारा जो है ग्राम पंचायत जो है यहाँ पे सिलेक्टेड हुआ है कि नहीं, उसकी डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो जो ग्राम पंचायतों की सूची पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सीजन आप खरीफ रवि चूज कर लेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है 2022-23 का देखना चाहते हैं, 21-22 का देखना चाहते हैं, 20-21 का देखना चाहते हैं या 19-20 का देखना चाहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम आप चूज कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है ब्लॉक का नाम जो है चूज करना है। उसके बाद व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरे लिस्ट जो है जोग अजोग यहाँ पे पूरा आ जाएगा। यहाँ पे पंचायत का नेम आ जाता है, यहाँ पे धान सोयाबीन मक्का, तो देखिए यहाँ पे सारी डिटेल जो है अजोग पाया गया है, सिर्फ निगमा पंचायत का जो है जोग किया गया है। तो अगर आपका पंचायत जो है यहाँ पे जोग पाया जाता है तो आप जो है सिंपली लॉग इन करके जो है अपडेट कर पाएंगे। इसको बैक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने फिर ओपन होगा। यहाँ पिछले अथी पे जाएंगे टैब पे, तो यहाँ पे देखिए बिहार राज्य फसल सहायता हेतु भुगतान की स्थिति, अगर आप भुगतान देखना चाहते हैं तो उसकी भी स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हैं। 21-22 का देखना चाहते हैं या आप 21 का देखना चाहते हैं, रवि 2020-21 का देखना चाहते हैं, खरीफ 2020 का देखना चाहते हैं, कोई भी देख सकते हैं। यहाँ पे सहकारिता विभाग पावती संख्या आपको इंटर करना होगा। उसके बाद भुगतान की स्थिति पे क्लिक करके जो है भुगतान की स्थिति भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बिहार राज्य फसल सहायता हेतु स्वयं घोषणा पत्र जो है यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप खरीफ के लिए, और यहाँ पे जो है सहकारिता विभाग पावती संख्या डाल के सब घोषणा पत्र डाउनलोड करें पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब घोषणा पत्र जो है आपको डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे बिहार राज्य फसल सहायता हेतु कागजात अपलोड करने का भी ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आपको यहाँ पे सहकारिता विभाग का पावती संख्या डाल के सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सारी डिटेल जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपका पंचायत जो है आपका जो पंचायत है यहाँ पे सिलेक्टेड हुआ है कि नहीं, उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भुगतान की स्थिति भी आप देख सकते हैं, स्वयं घोषणा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप जो है फसल सहायता हेतु कागजात भी अपलोड कर पाएंगे। तो सारी डिटेल जो है यहाँ पे अपलोड करने के बाद जो है आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट आपको कर देना है, अगर आपकी पंचायत जो है यहाँ पे जो कि घोषित की जाती है फसल सहायता राशि के लिए। तो ये था दोस्तों पूरी प्रोसेस जो है फसल सहायता के लिए। अगर आपकी पंचायत के नाम जो है यहाँ पे लिस्ट में है तो आप आवेदन करें, यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट आप कर दें ताकि आपको जो फसल सहायता की राशि जो है वो आपको मिल सके। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्टली जो है इस जो है वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और सारी डिटेल जो है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं।
आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।